राम राम। तो आज एक ऐसे तुम्हारे दर्द के बारे में बात करेंगे जिसको हमेशा के लिए हम लोग खत्म करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहां पे दर्द अभी ज्यादा हो रहा है तब ये मूवमेंट काम नहीं आएगा। तब पहले तुम रेस्ट करो, डॉक्टर को दिखाओ, वो जो बताता है वो करो, उसके बाद ये चीजें करो। सबसे पहली चीज आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंकल पेन की। एंकल पेन होता क्यों है? देखो, सबसे मेन बात ये होती है जब आप एक पैर से दूसरे पैर की तरफ मतलब स्टेप रख रहे होते हो, तो जो पैर ट्विस्ट होता है जब लैंड हो रहा है तो तुम्हारे पूरे पैर पे लोड आ रहा है, लेकिन जब तुम मुड़ता है पैर तब क्या होता है एंकल पे। एंकल कहाँ होता है? जहां से आपके जूते की ऊपरी वाली लेयर खत्म होती, जहां से वो राउंड मुड़ता है वहीं से आपका एंकल पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये होता किस वजह से? ये होता ही इस वजह से है कि जिस पार्ट पे बॉडी का पूरा लोड पड़ रहा है तुम उसी को ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, और उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो वो हो जाता है वीक, जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हें दर्द हो जाता है जरा से में ही। तो हमें उसकी ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पे उसमें डंबल तो रख नहीं दोगे, यहाँ पे मतलब यार ये है एबिलिटी बढ़ानी है उसकी, थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ानी, थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसको आपको लगभग 20-20 सेकंड के 3 सेट लेने हैं अपनी रनिंग के पहले। वो क्या है? वो बस खुद को ट्विस्ट करना है। देखो, सामने जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो, तुम नॉर्मल बैठे हो, ठीक है, जैसे स्क्वाट की पोजीशन पे नीचे तक आ जाते हो वैसे आना है, और दोनों कोहनियों को अपने घुटने के अंदर की तरफ ले जाके और दोनों तरफ फुल ट्विस्ट करना है। बात सिर्फ एक ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये करते समय तुम्हारा जो सॉरी पैर है वो उठना नहीं चाहिए जमीन से, वो फुली लैंडेड होना चाहिए। अगर जूता पहनने की वजह से उठ रहा है पैर तो कोशिश करो नंगे पैर करो, लेकिन करना जरूर है ये। और ये मूवमेंट तुम डेली करोगे, एंकल पेन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंकल की थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे एंकल के ज्वाइंट जो होते। देखो, जब भी एक्सरसाइज करते हो तो ज्वाइंट नहीं मजबूत होते, आसपास की मसल मजबूत होती ताकि उस ज्वाइंट को सहारा दे सके, ठीक है। तो इस वजह से इसको तुम्हें डेली करना है। अब इतना ध्यान रखना है, डेली रनिंग के पहले करना है, 20-20 सेकंड के 3 सेट 4 सेट ऐसे ले सकते हो, और इसको लगभग लगभग आपको 7-8 दिन करते हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे एंकल इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम किसी ऊंच नीच वाली जगह पे भी पड़ोगे, समझ रहे हो, जैसे कि कभी गड्ढे में कूद गए मतलब दौड़ रहे हो तो गड्ढे आ गए बीच में, पहाड़ में चढ़ रहे हो मतलब वो हिल ट्रेनिंग जो होती है, तो इन सब में तुम्हारे एंकल में चोट नहीं लगेगी या फिर एंकल में पेन नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज हम ये बता रहे हैं, इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते हो आप, इसको डेली करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें जब भी काम करना है रनिंग के लिए खासकर, तो हमें क्या है पैरों का ही काम है, और पैरों का काम का मतलब क्या है फुल पूरा लोड जो है आपके एंकल पे आ रहा है। तो एंकल को चोट से बचाने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए ये मूवमेंट आपको डेली करना है, और करना ही करना है कुल मिला के, इसका कोई और अल्टरनेटिव है नहीं, इसको करना ही करना है। उसके बाद फिर तुम चाहे रोड पे दौड़ो, चाहे पानी में दौड़ो, चाहे जंगल में दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी, ये मेरी गारंटी है। आगे खत्म करने से पहले वीडियो को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, नया हैंडल है, एंजॉय करते हैं उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।